वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो चलते यहाँ से, हम कहीं घूमने जा रहे हैं एंड कुछ सरप्राइज भी है, सो ठीक है देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। इसी के साथ हम आ चुके वेस्ट ऑफ द वंडर जो कि दिल्ली में स्थित है। एंड अगर आप फैमिली के साथ घूमने के लिए किसी अच्छी जगह की तलाश कर रहे हो या फिर फोटोग्राफी एंड वीडियोज़ के बहुत अच्छे शौक रखते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। वाकई बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। एंड यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को बता रहे थे, हम लोग मोर देन 3 ईयर्स के बाद मिल रहे थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे। एंड सबसे अच्छी बात हमारे साथ में एक भी फोटो भी नहीं था। एंड यहाँ आने का हम लोग का मेन मोटिव यही था कि हम लोग के साथ में एक भी अच्छी फोटो नहीं थे, जो कि एज यूजुअल आप जानते ही होंगे जो अच्छे फ्रेंड होते हैं उनके साथ में अच्छी फोटो नहीं होते, तो हम लोग का भी सेम हाल है। तो इसलिए हम लोग ने इस प्लेस को चूज किए थे, बाकी बहुत ही खूबसूरत है। चलो हमारा टिकट मिल गया है, तो अब हम कहाँ कहाँ जाएंगे आपको लेकर चलेंगे, देखते हैं क्या होने वाला है। तो इसी के साथ हम लोग आ गए लीनिंग टावर ऑफ द पीसा देखने, जो कि ऐसे तो इटली में स्थित है लेकिन हम लोग दिल्ली में है, तो यू नो यहाँ की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर 7 अजूबों का झलक आप लोग एक जगह पर देखने को मिलेगा। तो जो लोग बाहर नहीं जा सकते लोग डेफिनेटली यहाँ पर आए और इस जगह का लुत्फ उठाए। अच्छा बन गए, ओके नेहा कुछ बोलना चाहेंगी आप? ओह वाओ। हाइट छोटा है यहाँ पर, बहुत दुख है जिंदगी। ओके शो हम सो अब हम जाने वाले हैं कहाँ पर, कहाँ पर कुछ अच्छा सा मिलता है तो बैठ के फोटो हम क्लिक करेंगे। अगला अजूबा देखने, और सबसे अच्छी बात है कि हमें सारे अजूबे दिल्ली इतने, हाँ सबसे अच्छी बात है दुनिया की 7 जगहों 7 वर्ल्ड ऑफ वंडर। ए लुक एट दिस, अभी इधर नहीं आओ, सबसे बड़ा अजूबा तो हम लोग है अभी इससे भी आगे नहीं आ, बस सेशन चल रहा है। ओ भाई बहुत दुख है जिंदगी में गाइस। अब हम 3 जगह घूम चुके हैं, चौथी जगह जाने वाले हैं। सोच रहे हो दिल्ली में बैठकर हम 7 जगहों का टूर कर रहे हैं, 7 ऑलरेडी मैं दिखाने वाली हूँ, 2 तो ऑलरेडी देख रहे हो हम दोनों को, तो सोच रहे हो सो क्रिएटिविटी गाइस। एंड अब हम आ गए हैं ग्रेट पिरामिड ऑफ द गीजा देखने, जो कि मिस्र में है, जिसको बनाने में 20 साल लगे थे। एंड यहाँ पर जो हम देख रहे हैं उसको बनाने में 18 डेज लगे हैं। जैसे कि आपको नेम से ही मालूम चल रहा है वेस्ट ऑफ वंडर है, तो यहाँ पर जितने सारे आर्टिफैक्ट आप देख रहे हो सारे वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है, लाइक पाइप्स ग्लास एंड मेटल इन ऑल लाइक दिस। हम लोग आ गए एफिल टावर के पास एंड हम लोगों ने कुछ फोटो एंड वीडियो साथ में लिए। देन हम लोग आ गए द क्लोजियन इन रोम एंड यहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ फोटो शूट किया, क्योंकि यहाँ पर कोई अवेलेबल नहीं था फोटोज लेने के लिए, तो हमें कोई उपाय देखा, मैंने फिर फोन को एक जगह पर टिकाया एंड देन हमने खुद से वो जो होते हैं ना वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किए। उसके बाद ऐसे हमने कुछ फ़ोटोज एंड वीडियोज़ क्लिक किए, देन उसके बाद ऐसे होते हुए हम लोग घुमा उमा, उसके बाद हम लोग निकल गए। हमारा टूर हो गया, हम निकलने वाले क्योंकि नाइट बहुत हो गए हैं एंड हमने भटकते भटकते फाइनली रास्ता ढूंढा है, बट आई डोंट थिंक सो कि हम कहाँ पहुँचे हैं। यही है खान पान प्रदान केंद्र खुला है बाहर खाने का, अच्छा यहाँ पर खान पान का है कुछ, आई डोंट थिंक सो, सब बंद है, गंदी हो गया यार, कुछ खाया भी नहीं, भूख लगा हुआ है वही तो। हमने हर चप्पे चप्पे छाना है, यू नो ढंग से पैसे वसूल ले, ढंग से पैसे वसूल ले 50 गाइस। तो हम निकल गए हैं पॉइंट से। तो
अब हम लोग बाहर आ चुके हैं एंड ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि एंडिंग में हम लोग के साथ एक गेम हो गया था, वो भूल भुलैया वाला सीन हो गया था, घूम फिर के एक ही जगह पर चले जा रहे थे एंड देन उससे हम लोग बाहर निकले हैं, अभी हम लोग अब घर के लिए निकल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। टाटा, बाय बाय, सी यू, बाय बाय, टेक केयर।